बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बीन्स वाला पुलाव, जिसके लिए हमने ऊपर देगचा रख लिया हुआ है। इसमें हम ऑयल डालेंगे तकरीबन हंडिया वाले 3 चम्मच हमें अंदाजन। हाँ जी, अभी हमने हंडिया वाले 3 चम्मच इसमें ऑयल डाल लिया। ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर हमने 2 प्याज बड़े वाले काट के वो रखे हुए हैं, वो हम इसके अंदर आए। हमने बड़े प्याज 2 लिए हैं क्योंकि हमारे चावल जो हैं वो 1.5 किलो, तो हमने इस हिसाब से ऑयल भी डाला है। इसकी मिक्सार जो है मिकदार के हिसाब से ऑयल प्याज हर चीज़ डलती है। हमारे चावल जो हैं वो 1.5 किलो, ये 1.5 किलो की हम आपको रेसिपी बता रहे हैं, 1.5 किलो। इसमें हमने 2 प्याज भड़े लेके उनको काट लिए, तो 3 चम्मच हमने हंडिया के ऑयल के डाल लिए। अब हम इसको ब्राउन करेंगे अच्छी तरह ब्राउन, तो फिर जब ये हमारा ब्राउन हो जाएगा फिर इसमें हम आपको बताते जाएंगे सारी चीज़ें कैसे कैसे ऐड करेंगे। जी, अब हमारा प्याज जो है, प्याज हमारा ब्राउन होना शुरू हो गया, हल्का हल्का हो रहा है लेकिन अभी सारा नहीं हुआ, तो इस तरह हम इसे अच्छी तरह सारा ब्राउन करेंगे। तो इसलिए अभी हम 2-3 मिनट और इसको घी में फ्राई करते रहेंगे, फिर उसके बाद इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। जी, अब हमारा प्याज जो है वो ब्राउन हो गया है। अब हमने जो अपने बीन्स वगैरह लेके रखे हुए हैं उनको धो के हमने फ्रिज में रखा हुआ है, वो हम इसके अंदर डाल देंगे सारे, जिसमें चटनी भी है और ये गोश्त है सारा, इसमें वो हम सारा इसके अंदर ऐड करके चिकन हमने डाल लिया इसमें, तो इसको हम ब्राउन करेंगे अच्छी तरह फ्राई करते जाएंगे। और इसमें फ्राई करते करते हम साथ साथ इसके चीज़ें ऐड करते जाएंगे, जो हमने ये रखा हुआ है लहसुन और अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1 चम्मच हमारा लहसुन का पेस्ट है, 1 टीस्पून वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और 1 टीस्पून ही हम इसमें अदरक का पेस्ट, लहसुन और अदरक का हम दोनों पेस्ट 1-1 चम्मच इसमें डाल देंगे, टेबल स्पून 1-1 टेबल स्पून, क्योंकि हमारे चावल ज़्यादा है इसलिए हम इस हिसाब से आपको बता रहे हैं कि कितनी कितनी चीज़ डाल। तो 2 टमाटर हमने लिए थे जिनको हमने काट लिया, तो वो हम इसके अंदर ऐड करें। चिकन के साथ साथ ही ये चीज़ें भी इसके अंदर ही फ्राई होती जाएंगी। सब्ज़ मिर्च को हमने ग्राइंड नहीं किया, हमने बारीक काट लिया, वो भी हम इसके अंदर डाल रहे हैं। इन चीज़ों को अच्छी तरह हम फ्राई करेंगे, तो फिर इसके अंदर इस नमक और मसाला जात जो है वो सारे डालेंगे, लेकिन अभी हम इसको अच्छी तरह सारे मसाले को भूनेंगे, अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करेंगे। नमक हम इसके साथ ही ऐड कर लेते हैं। हम इसके अंदर हमारे हैं 1.5 किलो चावल, तो इसके हिसाब से हम इसके अंदर डालेंगे 4 टेबल स्पून नमक, जो हमने अपने हिसाब से देखा है। बाकी चावल हर तरह के होते हैं, चावल का अपना अपना हिसाब होता है, हर जगह के चावल अलग अलग होते हैं, लेकिन हमारे पास बासमती के चावल हैं,
हम उसी के हिसाब से इसमें नमक मिर्च और पानी जो है वो ऐड करेंगे। तो हम आपको पानी का भी बताते हैं फिर, लेकिन अभी हमने नमक डाला है तो अभी हमारी चीज़ें जो है वो मिक्स नहीं हुई, इसलिए हम अच्छी तरह पहले इसको मिक्स कर लें फिर इसमें मसाले डाल। अब हमारा चिकन फ्राई हो गया, मसाला सारा तैयार हो गया बिल्कुल ठीक फ्लाव पर। तो अब हम इसमें डालेंगे मसाला, जिसके लिए ये हमने दालचीनी ली है साबुत, और ये काली मिर्च ली है, ज़ीरा और बड़ी इलायची, ये हम इसके अंदर सारी डाल देंगे। तो इसको हम बस एक दो मिनट ऐसे फ्राई करेंगे, फिर इसके बाद हम इसके अंदर पानी डाल ऐड कर देंगे। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि हमारे चावल जो हैं वो तकरीबन 1.5 किलो हैं, तो उसको हमने तकरीबन 2 घंटे पहले भिगोया हुआ, क्योंकि हमारे बासमती के चावल हैं, हर बंदे की अपनी मर्जी होती है उस तरह इसके किस तरह के चावल हैं, तो हम अपने चावलों के हिसाब से आपको पानी बताएं। तो हम इसमें डालेंगे 2 किलो डालेंगे हम 1.5 किलो में, क्योंकि हमारे चावल काफ़ी देर के भी हैं। तो अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देते हैं। ये हमने इसके अंदर 2 किलो पानी जो है वो डाल दिया, तो अब हम इसको बॉईल होने के लिए ढक देते हैं, फिर उसके बाद इसमें चावल ऐड करते हैं। जी अब हमारा पानी बॉयल हो रहा है, तो हम इसके अंदर जो चावल हमने धो के रखे हुए थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे। बाकी पुलाव हर तरह का बना लेते हैं, मटन पुलाव भी होता है, चिकन पुलाव भी होता है, विंग्स का भी होता है, गड्ढने लें उनका भी पुलाव बन जाता है, पुलाव हर तरह का बन जाता है। तो ये अब पुलाव हमारा जो है हम 5 मिनट इनको चावलों को अंदर डाल के तो इसको पकने के लिए रखेंगे, फिर उसके बाद इनको चेक करेंगे। अब हमारा पानी जो है वो खुश्क हो गया, तो हमने नमक वगैरह भी चेक कर लिया है, वो बिल्कुल ठीक है। तो अब हम इसको दम पे रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, 7 से 10 मिनट हम इसको दम पे रखेंगे, उसके बाद फिर हम इसको चेक करते हैं। जी अब हमारे जो दम है वो हमने खोला है, हमारे चावल माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हैं, तो इसलिए अब हम इनको हला लेते हैं एक दफ़ा आपके सामने। तो ये हमारा जो है विंग्स वाला पुलाव वो तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।